एक पत्र किसी ने भेजा और उस पत्र में उसमें उन्होंने लिखा कि मान लो हम किसी मंत्र को, हम किसी साधना को, हम किसी शब्द को नहीं जानते और हमें भगवान शिव से अपने दिल की बात कहना भी नहीं आती, मान लो हमें शंकर भगवान से अपने हृदय की बात कहना भी नहीं आती, हमें अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना नहीं आता, तब हम क्या करें? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवदिदे महादेव को जब समर्पित करते हैं तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभु काटता जरूर है, ये निश्चित था। बोल बम का नारा है, जरा जम के, जरा जम के, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जब हमारे भीतर कोई तकलीफ होती है, हमारे भीतर जब कोई कष्ट होता है, हमारे भीतर जब कोई दर्द होता है, हमारे भीतर जब कोई दुख होता है, तब हम देवदत्त महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर अपने हृदय की बात भगवान शिव से जरूर कहते हैं, जरूर कहते हैं। और मैंने तेरे ही भोले, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोर हर तो झंडे नाम निकटी रवानी, भोले मैं तेरी पतन शंभो, हवा बीच उड़ती जवानी, बाबा डोर है तो छटी ना मैंने कटी जवानी, ओ भोले मेरी पतन शंभू।